Mangal Mathi students, today we will revise question number 8, exercise 3.1. इस question में क्या पूछा है? Table दी गई है. इसमें rainfall दिया गया है कि Monday को कितनी बारिश होती है, Tuesday को कितनी होती है, Wednesday को इतनी होती है, Thursday को इतनी, Friday को इतनी, Saturday को इतनी, Sunday को इतनी. और कुछ questions उसके बाद में पूछा है. तो first part में क्या पूछा है? Range पूछा गया है. Range क्या होता है? Range is equal to highest number minus the lowest number. तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इस table को पढ़ा. और इस टेबल में देखा कि यहाँ रेनफॉल दिया है कि इसमें डेज दिए गए हैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. यानी कि इतनी बारिश इसको होती है तो मंडे को 0.0 था, ट्यूसडे को 12.2 था, वेनेसडे को 2.1 था, थर्सडे को 0.0 था, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0 mm. अब मुझे रेंज निकालना है. रेंज इज इक्वल टू हाइएस्ट नंबर माइनस द लोवेस्ट नंबर. सो सबसे पहले मैंने इसमें हाइएस्ट नंबर ढूंढा 20.5. हाइएस्ट नंबर क्या है? 20.5 मैंने लिख लिया. माइनस सबसे लोवेस्ट 0.0, इससे नंबर तो होगा नहीं क्योंकि माइनस तो कोई नंबर है नहीं. तो 0.0, सो जो 20.5 माइनस 0.0 आएगा 20.5 mm. सो ये इसकी रेंज निकल गई. रेंज निकालने सब बच्चों को आ जाना चाहिए. सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे लोवेस्ट नंबर किसी भी डाटा का, कोई टेबल हो या बिना टेबल के कोई सीरीज दी हुई हो, उसमें से हमें ढूंढ करके इसको निकालना. सेकेंड पार्ट में पूछा है मीन. मीन मीन्स एवरेज निकालना है. तो एवरेज निकालने का मैं बताया था फॉर्मूला क्या है. सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर हम सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं. अब इसमें अगर देखेंगे यहाँ कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डेज का डेटा है, मैंने डिवाइडेड बाई 7 और जितने भी नंबर है 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 सभी को मैंने ऐड कर लिया. ठीक है ना, ऐड किया तो आएगा 41.3. ये सारे नंबर्स अगर मैं जोड़ता हूँ तो 41.3 डिवाइडेड बाय 7. अब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 35.6 बजेगा तो 63, 7 9 63. तो 5.9 इसका मीन आ गया. तो ये सभी को आना चाहिए. मीन कैसे निकालना है, सम ऑफ द ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स, मैंने कर लिया. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, पहले बताया हमेशा बुक आपके पास आनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़िए. थर्ड पार्ट में पूछा है कि जो ये एवरेज है इससे कंपेयर करिए कि पर डे जो बारिश हो रही है कितने दिन इससे कम हो रही है. तो अगर 5.9 को इससे कंपेयर करें, 0.0 इससे कम है, 12.2 इससे ज़्यादा है, 2.1 इससे कम है, 0.0 भी इससे कम है, 20.5 से ज़्यादा है, 5.5 से कम है, 1.0 भी इससे कम है. यानी कितने दिन कम है, 1, 2, 3, 4 and 5. तो मेरे इसलिए आंसर लिखा 5 डेज रेनफॉल वॉज लेस देन मेन रेनफॉल. तो क्या पूछा है इसमें, जो एवरेज आपका आया है पर डे क्या एवरेज से बारिश कम हो रही है वो बता रहा है. तो मैंने टोटल काउंट करके बताया, टोटल 5 डेज थे. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा रेंज निकालनी है, बहुत इजी है. सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, माइनस कर दीजिए जो सबसे छोटा नंबर है, वो कोई टेबल हो सकती है, सीरीज हो सकती है, किसी और फॉर्मेट में हो सकता है. सो मैंने सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर करके अपना रेंज निकाल लिया. सेकेंड है मीन. मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हम उससे डिवाइड कर देते हैं. मैंने उसको डिवाइड कर दिया. लास्ट पार्ट के अंदर क्या आता है, उसने पूछा था कि कितने दिन एवरेज से कम बारिश हुई है, तो वो भी मैंने उसको बता दिया है. इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं आपको दूंगा और आप उसको खुद से ट्रायल करिए. उसमें भी एक टेबल है, टेबल के अनुसार क्वेश्चंस को सोल्व करना है. सारे पार्ट्स पढ़िए, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. रेंज निकालना है, मीन निकालना है, बड़ा नंबर छोटा नंबर बताना है, यही है. इसके साथ में एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी. 3.2 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.